नमस्कार, मैं पूजा और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं गुड मॉर्निंग सुपर फास्ट, सुबह की कुछ खास और कुछ हल्की फुल्की खबरें जिसे सुनकर आपका दिन बन जाए। आइए देखते हैं गुड मॉर्निंग सुपर फास्ट। दिल्ली के रोहिणी में अस्पताल के आईसीयू में लगी आग, ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से पेशेंट की मौत। दिल्ली के रोहिणी इलाके में ब्रह्मा शक्ति अस्पताल में आईसीयू में शनिवार सुबह आग लग गई। इसके चलते ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से एक 64 साल के मरीज की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधक के मुताबिक आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही अस्पताल में तीसरे फ्लोर पर आग लगी। पुलिस के डिप्टी कमिश्नर प्रणय तयाल ने बताया कि आग की सूचना सुबह करीब 5 बजे मिली, जिसके बाद लोकल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग को फोन लगाया। दिल्ली फायर सर्विसिंग के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने कहा कि 9 फायर इंजनों को तुरंत मौके पर भेजकर आग पर काबू पाया। आरपीएफ ने ट्रेन में पकड़ा 1 करोड़ का गांजा। आरपीएफ ने बड़ी कार्य करके ट्रेन में करीब 100 किलोग्राम का गांजा पकड़ा, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख से 1 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। नियमित जांच के दौरान आरपीएफ जवानों ने विशाखापट्टनम दिल्ली एक्सप्रेस में कार्यवाही की। इस दौरान 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के अनुसार बुधवार को ट्रेन अपने निर्धारित समय से 38 मिनट देरी से पहुंची। दोपहर 2:48 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची थी। आरपीएफ जवानों ने नियमित जांच शुरू की। इसी दौरान B1 और S5 कोच के सवार कुछ यात्रियों के बैग में सिद्धगत चीजें होने का अंदाजा हुआ। जांच में बैग में बड़े बड़े 8 सीलबंद पैकेट नजर आए, उसमें से गांजे की गंध आ रही थी। सारा माल जब्त कर लिया। पूछताछ में पता चला कि दोनों कोच में गांजा तस्करी कर रही थी। दोनों गुट अलग अलग है, इनमें एक गुट में 4 और दूसरे गुट में 3 आरोपी शामिल थे। सानपुर हिंसा के पीछे काले कपड़े, नीली टोपी, ऐसी ड्रेस में 50-60 लोग शराब पीकर मस्जिद के बाहर पहुंचे, नारे लगाए, जिससे हिंसा भड़की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा के पीछे कुछ बाहरी लोग हो सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुक्रवार को जुम्मा मस्जिद के बाहर कुछ ऐसे लोग दिखाई दिए जो यहां पहले कभी नजर नहीं आए। इन लोगों ने काला कुर्ता पैजामा और नीली टोपी पहनी हुई थी। ये लोग कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पी रहे थे और मस्जिद से भीड़ के बाहर निकलते ही भड़काऊ नारे लगाने लगे, उसके बाद ही हिंसा भड़की। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बताएंगे आपको देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।